सो हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ एस्कॉन टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं कभी नहीं गई. आई एम एक्साइटेड टू विजिट एस्कॉन टेम्पल. और ऑल्सो मेरे चैनल पे मैं हमेशा मेकअप के ट्यूटोरियल, मेकअप वीडियोस या हैक्स, जो वायरल हैक्स होते हैं, मोस्टली वो डालती हूँ. टुडे आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, जस्ट सिंपली अप्लाइड लिपस्टिक एंड सम मस्कारा ऑन माय आईज. एंड दैट्स इट. एंड मैंने सिंपल से बाल बनाए हैं. यूजुअली मुझे बाल बनाना इतना पसंद नहीं है. मैंने सिर्फ एक पोनी टाइप्स बनाए हैं, लिपस्टिक का शेड एंड जो भी मस्कारा मैंने यूज़ किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ. तो हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट. आई थिंक आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे होंगे क्योंकि ट्रैफिक यहाँ तो बहुत है. लगभग 10 मिनट से तो हम ट्रैफिक में ही हैं. लेट फिर कब पहुँचते हैं. एंड वन स्वीडी एंड कि अपडेटेड आपके. फाइनली मैं पहुँच गई हूँ एस्कॉन टेम्पल. तो अब मैं आ गई हूँ एस्कॉन टेम्पल के अंदर, जहाँ पे आपको पीछे पैर धो के टेम्पल में सिक्योरिटी के बाद अंदर एंट्री मिलेगी. एंड यहाँ पे राइट साइड में आगे जाके आप मेंबरशिप के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं. आगे मैं जा रही हूँ अपने जूते चप्पल रखने के लिए. यहाँ आप सेवा में रख सकते हैं ऐसे. चप्पल की सेवा मुफ्त है यहाँ पे, या तो आप नीचे ऐसे ज़मीन पे भी रख सकते हैं. यहाँ का दृश्य देखते ही बनता था. यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की नक्काशी इतनी सुंदर है देखने में कि आपका मन ऐसे ही मोहित हो जाएगा. इतना सुंदर दृश्य और मंदिर सच में मैंने आज तक नहीं देखा. यहाँ मैं जा रही हूँ सीधा टेंपल के अंदर. ये एक लुक है टेंपल का जब मैंने एंट्री की थी. और यहाँ से चले मैं आपको सीधे दर्शन कराती हूँ पाके बिहारी की. यहाँ पे भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों की भी काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ थी, जो इतनी सुंदर थी कि मैं वर्ड्स में तो नहीं बता सकती हूँ. लकीली जिस वक्त मैं गई थी, ट्रस्ट में इतनी रश नहीं थी. तो अगर आपको जाना है तो 4 से 5 के बीच में जाइए. यहाँ पे ये है बाके बिहारी के दर्शन. भगवान को काफ़ी सुंदर वस्त्र और काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया था. और दूसरे द्वार पे है ये राधा कृष्ण और गोपियाँ. काफ़ी सुंदर नज़ारा था ये. और कंटिन्यूस यहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं, जो सुनने में काफ़ी एनर्जेटिक लगते हैं. और एंड आप भी ये भजन कीर्तन के साथ हरे कृष्णा ज़रूर बोलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. अब आगे मैं चल रही हूँ परिक्रमा की तरफ. यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण के जन्म से लेके उन्होंने जो जो किया अपने लाइफ में, उसके काफ़ी अच्छे से फ्रेम के दौर पे सारी चीज़ें बताई गई थी कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या चमत्कार किए हैं. ये मंदिर में मुझे आके पता चला कि एक्चुअली भगवान कृष्ण ने कितने सारे चमत्कार किए हैं, जो मुझे एक्चुअली नहीं पता था. आगे चलते हैं. ये सुंदर से विठोबा का भी एक स्टैचू है. और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सुंदर सा विष्णु लक्ष्मी जी का भी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो काफ़ी सुंदर है एक्चुअली देखने में. गाइस, शिव जी की भी आपको एक मूर्ति मिलेगी. एंड आगे आपको राधा कृष्ण की रासलीला की भी मूर्तियां देखने मिलेंगी. आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी धार्मिक बुक्स भी मिलती है, तो अगर आपको शौक है पढ़ने का तो डू चेक आउट बुक्स ऑन द स्टॉल. यहाँ पे मैं कुछ बैठी थी लगभग 1 घंटा और मुझे पता ही नहीं चला मेरा समय कैसे. मैं टेंशन में बैठी हूँ, मुझे पता नहीं मेरी यहाँ बस रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी. बस यहाँ पे काफ़ी भजन कीर्तन चल रहे हैं. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरा यहाँ पे. काफ़ी मन को सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे. एंड आपको आप चाहते हैं कि थोड़े से सुकून के पल मिले, आपको बहुत स्ट्रेस है, जरूर आना चाहिए एस्कॉन टेम्पल. यहाँ पर बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको. आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, या तो चाहिए तो आप अकेले भी आ सकते हैं. यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत प्योरिटी है यहाँ पे. एंड मुझे खुद को यहाँ पे आके इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है. मतलब लिटरली पता नहीं, पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि खुशी के आंसू बाहर आ जाएंगे, पता नहीं. बट आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड आफ्टर कमिंग हियर. एंड यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक कलर पहन के आना है. यहाँ पे हर मतलब के इंसान
नेक्स्ट ब्लॉग।